कई कारणों से ऐसे दोस्तों का चुनाव करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। कई बार लोग किसी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, आमतौर पर यंगस्टर्स के मामले में ऐसा ज्यादा होता है। हालांकि ये आदत उन लोगों में उम्र बढ़ने के बाद भी बनी रहती है जिनमें सहमत होने की आदत होती है या उनका भोलापन व्यसक होने के बाद भी नहीं जाता, या फिर जो जानबूझकर सच से नजरें चुराते हैं। इस पर कुछ लोग आपत्ति जताते हुए कह सकते हैं कि दूसरों की बुराई के बजाय उनकी अच्छाई देखना ही बेहतर होता है। दूसरों की मदद करने की इच्छा दुनिया का सबसे बड़ा सद्गुण है, पर नाकाम होने वाला हर व्यक्ति किसी का सताया हुआ नहीं होता। सबसे निचले लेवल पर, लो लेवल पर जीने वाला हर व्यक्ति जिंदगी में ऊपर उठने का इच्छुक नहीं होता। हालांकि बहुत से लोग इसके इच्छुक होते हैं और कई तो ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं। हालांकि लोग अक्सर अपनी तकलीफों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, और जो लोग अपनी तकलीफ को संसार में होने वाले अन्याय का सबूत बनाकर पेश करने में कामयाब हो जाते हैं, वो खुद के साथ साथ दूसरों की तकलीफ को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। और सबसे लो लेवल पर जीने वाले लोगों के बीच भी उत्पीड़कों की कोई कमी नहीं होती है, भले ही उनमें से ज्यादातर बस दिखावा करने के मकसद से दूसरों को पीड़ित करते हों। ये जिंदगी के सबसे आसान रास्ते जैसा नजर आता है, पर आखिर में, लास्ट में उनके जीवन को नरक की ओर ले जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसका जीवन अच्छा ना चल रहा हो, उसे हेल्प की जरूरत हो। हो सकता है कि वो आपसे हेल्प की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिसे सचमुच मदद की जरूरत है और जो बस आपकी मदद करने की इच्छा का फायदा उठाना चाहता है। ऐसे दो लोगों के बीच फर्क करना भी बड़ा मुश्किल होता है, और यहां तक कि यह फर्क करना उसके लिए भी मुश्किल है जिसे सचमुच हेल्प की जरूरत है, जो आपसे हेल्प की उम्मीद कर रहा है पर पॉसिबली आपका फायदा भी उठाना चाहता है। एक व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश में नाकाम होता है और फिर भी उसे माफ कर दिया जाता है। वह दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है और उसे दोबारा माफ कर दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा व्यक्ति अक्सर वो होता है जो चाहता है कि लोग उसकी कोशिशों की प्रायोरिटीज पर विश्वास कर लें।